कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या जिसको फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं, आखिर क्या होता है और कोएगुलेशन कैरी आउट करने के मेन मेथड्स कौन कौन से हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन। तो क्या होती है, फिनोमेनन ऑफ प्रेसिपिट, ध्यान रखियो भाई, कोएगुलेशन को फ्लोकुलेशन ही बोल देते हैं और कोएगुलेशन को प्रेसिपिटेशन भी बोल देते हैं, तो वो अलग चीज़ें। तो कोएगुलेशन हो, फ्लोकुलेशन हो, प्रेसिपिटेशन, सब एक ही बात है। ओके, तो क्या होता है कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडिंग सॉल्यूशन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बाय एनी अदर मीन इज कॉल्ड कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ये समझे बात, यानी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर, क्या ध्यान रखियो, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, पता होगा ना आपको, लेकिन बहुत ज्यादा क्या ऐड करने पर, इलेक्ट्रोलाइट, बताओ फिर क्या हो जाएगा उसका, प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाएगा, यानी कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे ना उनका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। मान लिया फॉर एग्जांपल आपके पास आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर तीन नेगेटिव चार्ज, क्या उसके पास नहीं, उसके पास मान लिया तीन नेगेटिव, आप मान लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आपने उसमें क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम, और ये मानो एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ले ले, बताओ किससे, कोलाइडल पार्टिकल से, तो कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, आपस में दूर दूर नहीं रह पाएंगे ना, आपस में रिपेल नहीं कर पाएंगे भाई, तो जुड़ के वो क्या बना लेंगे, बड़े पार्टिकल्स, और क्या बन जाएंगे आपके पास, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, वो तली में बैठ जाएंगे, नहीं है आपको, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। बात आपको पहले पड़ गई, तो कोएगुलेशन कुछ नहीं होता, कोलाइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन, से क्या बनाने, उसके प्रेसिपिटेट बनाने, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, क्या भाई, और वो कब होएगा, जब कोलाइडल पार्टिकल आपस में जुड़ के जुड़ जाएंगे तब होएगा ना भाई, और जुड़ने के लिए चार्ज क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा किसी तरीके से उनका, एज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं आपको, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो सिंपल बात है, कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस By adding suitable electrolyte or by any other mean is called coagulation, flocculation or precipitation. आ गया, ठीक है, बताओ भाई अब हम क्या पढ़ेंगे, methods of coagulation. अब भाई coagulate करने के method कौन से होते हैं, एक तो होता हमारे पास electrophoresis, क्या भाई, electrophoresis के जरिए आप colloidal solutions को precipitate कर सकते हो, आपको ऐसे कैसे भाई, सिंपल सी बात है, अगर मान लिया इस यू शेप ट्यूब के अंदर यहाँ पर क्या कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ पर आपने दो प्लेट लगा दी, दो क्या लगा दिया आपने, इनको जोड़ दिया आपने बिजली से, तो मान लिया एक प्लेट क्या है नेगेटिव, एक प्लेट तो क्या है पॉजिटिव, तो अगर मान लिया कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या हुआ पॉजिटिव, तो कहाँ भागेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव प्लेट की तरफ जाके वहां से इलेक्ट्रॉन ले क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गए तो क्या हो गया अपने आपको, जुड़ जाएंगे ना फिर भाई, न्यूट्रल होते ही वो अब कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रह पाएगा भाई, वो इकट्ठे हो क्या बनाएंगे, बड़े पार्टिकल, क्या बन गया, प्रेसिपिटेशन, और अगर वो क्या है नेगेटिवली चार्ज, तो वो कहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन दे देंगे भाई, नहीं आपको, तो वहाँ वहाँ भी बताओ क्या है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, नहीं आपको, अरे बोलो भाई, और एक क्या होता है, कंबाइनिंग टू कोलाइडल सॉल्ट्स ऑफ अपोजिट चार्ज, एक ही तरीका होता है, मान लिया एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, उन दोनों को मिला दो एक वेसल के अंदर मिला दो, तो वो आपस में एक दूसरे चार्ज क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को चार्ज इलेक्ट्रॉन दे देंगे भाई, नहीं है आपको, और क्या हो, न्यूट्रलाइज, नहीं आपको, न्यूट्रलाइज होते क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, व्हेन ए सॉल्यूशन इज बॉइल्ड,
आपको पता है, आपको पता होगा ना, इसको आप एडसॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करोगे। आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की सबसे वैलिड थ्योरी कौन सी है? एडसॉर्प्शन थ्योरी, कि भाई उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या रखी होती हैं, एडजॉर्ब रखी होती हैं फिक्स्ड लेयर की फॉर्म में। लेकिन जब आप बॉयल करते हो ना किस चीज़ को, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या होगी? बॉयलिंग से जो ये कवरिंग होती है ना, ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एडसॉर्प्शन लेयर क्या हो जाएगी, एडसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन क्या होता बताओ, ये तो हमने पढ़ा था ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन क्या होता, घटता होगा। एडसॉर्प्शन घट गया तो अगर फिक्स्ड लेयर हट गई तो मोबाइल लेयर भी हट गई, और जब लेयर हट गई चार्ज की तो पार्टिकल क्या एक तरह से न्यूट्रल नहीं हो गया, तो दो न्यूट्रल पार्टिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, बड़े पार्टिकल्स। नहीं आपको तो ये एक तरीका भाई कोएगुलेट करने, ओके। और एक क्या हो तुम्हारे पास, परसिस्टेंट डायलिसिस। क्या भाई? परसिस्टेंट डायलिसिस, इसको भी आप एडसॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा क्या मिला, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट हमको चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि क्या करता है, कोलाइडल स्टेट को स्टेबलाइज करता है ना, अपोजिटली चार्ज आयन को चिपका के। और बहुत ज्यादा क्या मिला इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या करता है, खत्म, वो वापस कोएगुलेशन। तो एक सुटेबल अमाउंट होती होगी ना, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी सी अमाउंट जो हमको चाहिए, थोड़ा बहुत तो हमको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, ताकि ताकि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो सके, ताकि भाई थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज को कुमुलेट करवा देगा, नहीं समझे बात। लेकिन अगर आपने क्या करते, डायलिसिस क्या कर दिया आपने, आप डायलिसिस करते गए करते गए करते गए, डायलिसिस से क्या होता है आपको पता है, कैटा जो ये ट्रू सॉल्यूशन के आयन होती हैं वो उसमें से पार निकल जाएंगे ना भाई। तो डायलिसिस से क्या होता है, नमक जो सिंपल सॉल्ट होते हैं वो लगातार क्या होते जाएंगे, उसमें से कम नहीं हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट था वो डायलिसिस के जरिए क्या हो जाएगा, बाहर नहीं निकल जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम अमाउंट हमको चाहिए थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए, वो भी नहीं बचेगी, तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। यार आपको ये बताओ बेटा, ये बताओ क्या था हमारे पास, ये हमारे पास बताओ क्या था, कोएगुलेशन ऑफ अरे बोलो भाई। अच्छा, एक पता क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि आप उसमें सूटेबल क्या मिला दो, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा भाई, ये पता किसके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको लायोफोबिक सोल्स के लिए, किसके लिए, लायोफोबिक सोल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलाइड्स का कोएगुलेशन एक ऐसे भी हो सकता है कि आप उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें क्या, जो कि कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज खत्म कर सके। आपको ऐसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया कोलाइडल पार्टिकल जो आपका है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, क्या है, तो अगर मैं उसके अंदर सोडियम आयन वाला कोई क्या मिलाऊंगा, अगर मैं उसमें कोई क्या मिलाऊँ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो क्या प्रोवाइड कर सके, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन या एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव आयन, तो आप पॉजिटिव आयन सप्लाई नहीं कर रहे क्या, तो वो पॉजिटिव आयन तो क्या करेंगी, इसका इसे तो क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज। नहीं आपको समझ, अरे बोलो भाई, तो उससे भी तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। यानी आपने क्या करना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर देना है, नहीं समझे बात। वो तो क्या करेगा, द कोलाइडल पार्टिकल, बोलो भाई, एडसॉर्ब आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अपोजिट चार्ज। तो ये जो अपोजिट चार्ज के आयन होंगी वो उसके ऊपर मजबूती से जुड़ जाएंगी, नहीं समझे बात, और क्या करें उसको न्यूट्रलाइज, क्या करें उसको न्यूट्रलाइज। आ गया आपको, तो आप ये बताओ अगर मान लिया कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज किया नेगेटिव, तो आपने क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, पॉजिटिव आयंस, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज किया है तो आपने क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, सूटेबल नेगेटिव आयंस, इजंट इट। और एक क्या होता हमारे पास, लायोफिलिक सॉल्ट्स, क्या, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। देखो आपको पता भाई, लायोफोबिक सॉल्ट को कोएगुलेट करना तो बहुत मुश्किल था, हमने कई मेथड पढ़े। जो लायोफिलिक सॉल्ट होता है ना, क्या बोलो भाई, ये सिर्फ दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज और सॉल्वेशन। आपको पता है अगर सॉल्वेशन अच्छा ना हो, जहां पर बहुत अच्छा क्या होगा सॉल्वेशन, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट जो लायोफिलिक कोलाइड होंगे
उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, तब तो क्या रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे ना। अगर सॉल्यूशन अच्छा ना हो तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे वो। तो मान लो सॉल्वेंट में तो क्या है, अच्छा हाइड्रेशन है, सॉल्वेंट में अच्छा हाइड्रेशन सॉल्वेशन नहीं है, नहीं आपको तो उस आप सॉल्वेंट चेंज कर दें, क्या करें सॉल्वेंट चेंज कर दें भाई, नहीं आपको सॉल्वेंट चेंज करते क्या हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट ए में क्या है, खूब सारा सॉल्वेशन है और सॉल्वेंट बी में सॉल्वेशन नहीं हो, तो आप क्या कम करो, उसमें क्या मिला दो, सॉल्वेंट भी मिला दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन कम हो जाएगा, सॉल्वेशन कम हो जाएगा तो कोलाइडल पार्टिकल स्टेबलाइज नहीं रह पाएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे इकट्ठे होके बड़े पार्टिकल हो जाएंगे, नहीं है आपको। और दूसरा क्या होता है, चार्ज, चार्ज को आप कैसे रिमूव कर सकते हो बताओ, सिंपली एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, नहीं है आपको, बोलो भाई, या तो फिर क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्सन फेज हैपन व्हेन सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल और एसीटोन आर अप्लाइड टू हाइड्रोफिलिक सॉल्ट। अगर आपने हाइड्रोफिलिक सॉल्ट में आपने क्या मिला दिया, एसीटोन या क्या मिला दिया, बताओ भाई, बताओ क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, और उससे क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।